नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूपी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा पहुंची श्रावस्ती, कार्यकर्ताओं ने यात्रा का किया भव्य स्वागत। सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। गोड्डा जिले के कोल माइंस में चल रहा चोरी का खेल, प्रशासन की चुप्पी में खड़े कर रही कई सवाल, चोरों के हौसले भी बुलंद, दिन रात हो रही चोरी। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री को पूरे देश में किया याद, अटल जी के आदर्शों को अपनाने पर दिया बल। अब खबरें विस्तार से। बीते दिन भाजपा की जन विश्वास यात्रा श्रावस्ती पहुंची है। देखने में आया कि जन विश्वास यात्रा में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना विपक्ष जिन्ना से करते हैं और वही पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। एक बार फिर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाकर इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। बता दें, जनपद में भाजपा की जन विश्वास यात्रा सिरसिया से भिंगा पहुंची, इसके बाद भिंगा से लक्ष्मण नगर पहुंची और लक्ष्मण नगर से गिलोला पहुंची। इस मौके पर विधानसभा 290 के भावी प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह और उनके बेटे देव प्रताप सिंह ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। श्रावस्ती से दद्दन सिंह की रिपोर्ट। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो उसका आदेश निर्देश होता है उसका मैं पूर्णतः पालन करता हूँ। अपने क्षेत्र के जनता को मैं अपनी पार्टी से जोड़ता हूँ। हमारा यही विश्वास है कि हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं और हम पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होता है उसका मैं पालन करता हूँ और इसे सीख पालन करता रहूंगा। जो आदेश निर्देश भाई प्रत्याशी अगर तो अगर मतलब हमारी प्राथमिकता होगी, हमारे जो जितने लोग हैं मतलब क्षेत्र के लोग हैं, कितनी जन समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करूंगा और जो सरकार के दिशा निर्देश में जो भी आदेश होगा उस से काम करेंगे। झारखंड के गोड्डा से गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। यहाँ पथरगामा प्रखंड में बारकोप मोड़ के पास से गाड़ी चोरी होने की खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार बांका जिले रजून मालती गांव के रहने वाले कुमार गौरव अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, तभी रास्ते में बारकोप मोड़ के पास गाड़ी खड़ी कर शौचालय के लिए उतरे और उसी वक्त अज्ञात 3 बाइक सवारों ने गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। कुमार गौरव की माने तो गाड़ी में 45,000 रुपये नकद भी थे। अब इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी जाँच पड़ताल शुरू की है। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के साहेबगंज जिले में बोरियो विधानसभा आती है। यहां से जनता की सेवा के लिए लोबिन हेम्ब्रम को विधायक बनाया गया है। अब हाल ही में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जनहित में दुमका नगर थाने पर धरना दिया है। दरअसल विगत दिनों पहले किराए पर रह रही एक आदिवासी लड़की के साथ उसके मकान मालिक मोहन सिंह ने मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जा रही थी। इसी बात से नाराज विधायक ने धरना दिया, जिसके बाद रिपोर्ट लिखी गई है और कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया है। साहिबगंज से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों हरदोई के मीरनगर गांव और खेरुद्दीनपुर में भागवत कथा चल रही है। हाल ही में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और माधवगंज चेयरमैन अनुराग मिश्रा भी कथा स्थल पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया, साथ ही ग्रामीणों को अपने परिवार के बारे में परिचय भी दिया। देखने में आया कि इसी बीच खेरुद्दीनपुर से प्रधान डॉक्टर जेबी सक्सेना भी भागवत कथा में पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व एमएलसी स्वर्गीय लालन शर्मा और पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा की सेवा का व्याख्यान करते हुए कहा कि वे जब तक जीवित हैं अपने दादा और अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते रहेंगे। हरदोई से चंदगी राम मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे जेबी सक्सेना साहब कह रहे थे अभी भी मैं आप नहीं मैं भी हूं कि आप आए इस शुभ अवसर पर माता के चरणों में और इस भागवत कथा प्रांगण में मुझे आने का अवसर प्रदान कर मैं आप सभी का हमारे परिवार हमेशा जनता की और उन्हीं के आदर्शों के उन्हीं के विचारों पर चलता हुआ मैं भी आपकी सेवा में सपूर्ण समर्पित हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे चाहिए कि केवल आपका प्यार
स्नेह और आशीर्वाद, ये तीन चीजों की जरूरत मुझे आपसे, इससे मुझे ऊर्जा मिलता है और मैं अपना संपूर्ण जीवन आपकी निछावर पर लेकिन। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। बता दें 25 दिसंबर को पूरे देश में दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाली संस्था सक्षम ने 4 जनवरी को प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण समारोह करने का भी फैसला किया है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष ललित पंत ने बताया कि सक्षम उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दिव्यांग सहायक उपकरण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसके तहत 2 जनवरी को हल्द्वानी में और 4 जनवरी को हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के प्रांगण में विशाल शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और चश्मा सहित सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुवार को झारखंड के गोड्डा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आमजनों की समस्याओं को सुनने और उसके समाधान के लिए एक शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रखंड पदाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि वृद्धा पेंशन सहित विधवा पेंशन का लाभ, आधार कार्ड सुधार सहित राशन कार्ड का लाभ, हेल्थ चेकअप सहित कोविड टीके का लाभ, श्रम निबंधन का लाभ, जमीन से संबंधित ऑनलाइन त्रुटियों का निराकरण, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का लाभ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ जैसी सभी सरकारी योजनाओं सहित पंचायत की अन्य समस्याओं के निराकरण किए गए हैं। बता दें इन शिविरों में जाकर क्षेत्र का हर व्यक्ति आवेदन दे सकता है। उक्त आवेदनों को ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाता है। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये सरकार का बेहद ही अनूठा एक पहल है और इसके पहले हम लोग जो जरूरतमंद लोगों का जो पेंशन का जो संख्या का सीमा निर्धारित रहता था या एक लक्ष्य मिलता था, तो जिसके कारण बहुत सारे लोगों को पेंशन हम लोग जरूरतमंद लोगों को नहीं दे पाते थे, लेकिन इस बार जनता के साथ साथ हम लोगों को भी आत्मसंतोष है कि हमारे जितने भी ज़रूरतमंद जो ग्रामीण हैं और जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं या कह लीजिए कि 18 वर्ष से ऊपर की जो न केवल विधवा महिला बल्कि अगर वो परित्यक्ता हैं या कह लीजिए कि अगर वो तलाकशुदा हैं या कह लीजिए कि 45 वर्ष से वैसी महिला जो एकल महिला हैं, यानी कि जो न वो जो शादीशुदा या परित्यक्ता के श्रेणी के अलग अगर वो अकेली जीवन यापन कर रही हैं, तो उसमें इस बार मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला पेंशन सम्मान योजना जो लॉन्च किया गया है उसके तहत हम लोग एक एक महिलाओं को भी हम लोग आच्छादित कर रहे हैं और उन लोगों का सभी का डिटेल आवेदन लेकर के सभी लोगों को 1,000 रुपये महीने का पेंशन एकदम सुनिश्चित सर्वजन पेंशन योजना के तहत हम लोग देंगे। गोड़ा के ललमटिया कोल माइंस में लूट मची हुई है। यहाँ दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। सूत्रों की माने तो साइकिल सहित मोटरसाइकिल और टमटम से भी कोयले की चोरी हो रही है। इस काले खेल में प्रशासन की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हाल ही में हल्द्वानी के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च अनुसंधान का रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दौरा किया है। यहाँ उन्होंने इंस्टीट्यूट में चल रही रिसर्च और विकास कार्यों की समीक्षा की है। बता दें DIBER का लक्ष्य आधुनिक तकनीक से उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में किसानों को राहत पहुंचाना है जिससे उनकी पैदावार बढ़े। गौरतलब है कि DIBER के साथ अब तक 4,000 किसान पंजीकृत हो चुके हैं और लाभ ले रहे हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और सीमांत इलाकों से हो रहे पलायन पर भी फर्क पड़ेगा। हल्द्वानी से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। लालकुआं में लोकप्रिय नेता और विधायक पद के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट का जनसंपर्क दौरा चल रहा है। हाल ही में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लालकुआं, हल्दूचौड़, बरेली रोड, बिंदुखत्ता और बसंतपुर गोलापार में व्यापक स्तर पर जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया। लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाई जा रही है।
इसी कड़ी में नौतनवा के अटल चौक पर भी अटल जयंती मनाई गई। यहां नगरपालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की है और उनके आदर्शों को अपनाने पर बल दिया है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि हर व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित है कि वे उनके सपनों का भारत बनाने में राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग जाता है। इस मौके पर कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। नौतनवा से अमित सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।